Hey guys, this is Tanya. Welcome back to my channel. Hope you all are good here. So dear, आज मैं आप सभी के सामने कुछ होम रेमेडी लेके आई हूँ. आपको सभी को पसंद आएगी वो रेमेडी और बहुत ही इफेक्टिव है वो. लिटरली मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क करी है उसने. सो आपके ऊपर भी आप भी यूज़ कीजिए. आप फिर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको कैसी लगी वो रेमेडी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसकी कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनी है और 5 मिनट में तैयार हो गई है. तो सो डियर, वो क्या है? वो है एक स्क्रब. आप उसको एज अ फेस स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, एज अ लिप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं और एज अ बॉडी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी रेमेडी है. आप उसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को. डियर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए डियर. तो चलिए आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. डियर सबसे पहले हम 1 चम्मच हमको शुगर चाहिए, जिसको हम चीनी कहते हैं, शक्कर कहते हैं हिंदी में इसको. हमने 1 टेबल स्पून चीनी ली है. देन हमको 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर चाहिए. मैं ये नेस कैफ़े की कॉफ़ी ले रही हूँ, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं. मैं इसको इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून. ये और होते ही 1 टेबल स्पून है, आप इसमें पूरा पैकेट डाल दीजिए. सोडिया मैंने ये डाल दिया. नेक्स्ट ये मैंने कॉफ़ी भी ले ली है और शुगर भी ले ली 1 टेबल स्पून. अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. देन हमको सिर्फ इसमें, अब हमने 1-1 चम्मच ये लिया है, अब हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच ऑयल चाहिए, जो कि कोकोनट ऑयल है. कोकोनट ऑयल ही आपको लेना है, वो हमारी स्किन को बहुत जल्दी हाइड्रेट करता है. तो 1 टेबल स्पून हम कोकोनट ऑयल लेंगे. सोडिया ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है. मैंने ये वाला कोकोनट ऑयल लिया, आप देख सकते हैं. 1 टेबल स्पून इसमें कोकोनट ऑयल डाल के मिक्स करना है पूरे बैटर को. एक ये हल्का सा मींस हल्का सा थोड़ा सा बस गीला हो जाएगा, बाकी ये पूरा सूखा रहेगा. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हल्का कम लग रहा है, आप 2-3 बूंद और ले सकते हैं. मैं इसमें 2 बूंद मैंने इसमें 2 ड्रॉप और डाला है. देन आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अच्छे से. कुछ इस तरीके का हमारा ये दिखने लगेगा पूरा मिक्सचर. आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 2 or 3 डेज, काफ़ी अच्छे से ये हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा. 2-3 डेज आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं. अब हम इसको लेंगे और अपने हैंड पे स्क्रब करेंगे. आप मीन्स आप कहीं पे भी कर सकते हैं, हैंड पे, बॉडी पे, फेस में, लिप्स में. सो मैंने इतना लिया थोड़ा सा और आपको अच्छे से इसको स्क्रब करना है. आपको हल्का सा पहले इसको वेट करना, तो रुके मैं इसको वेट करती हूँ. मैंने इसको हल्का सा इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाला है. नाउ एज यू कैन सी कंसिस्टेंसी. कॉफ़ी हमारे बॉडी पे, कॉफ़ी मीन्स ऐसी इंग्रेडिएंट है जो हमको और ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करती है. और ये सबको सूट नहीं होती है, जिसको सूट हो आप एक बार आप पहले पेस्ट टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिए. मुझे तो बहुत पसंद है ये स्क्रब. देखिए आप शुगर के पार्टिकल्स और कॉफ़ी के पार्टिकल्स दोनों आपके हैंड्स को अच्छे से स्क्रब कर देंगे, जिससे सारी डर्ट ग्राइंड हमारे इसकी निकल जाएगी और जो हमारी स्किन फट जाती है वो भी निकल जाएगा. अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में भी जो हमारी स्किन एकदम ड्राई ड्राई हो जाती है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये ड्राई ड्राई हो जाती है, इसमें स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज वो स्किन वरना जमते जमते वो काला मैल बन जाती है. तो आप उसको अच्छे से इस तरीके से स्क्रब कीजिए अपनी पूरी बॉडी पे, हैंड्स पे. नाउ एज यू कैन सी द रिज़ल्ट कितना ज़्यादा ये ऑयल है तो मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को प्रोवाइड कर रहा है. थोड़ा सा और लूँगी मैं. पूरे अपने हैंड्स पे दोनों तरफ कर लूँगी अच्छे से मसाज. आपको लाइट हैंड से करना है दोनों में अच्छे तरीके से मसाज.
दोनों साइड। मैं इसको आपको टेस्ट के लिए हाथ पे करके बता रही हूँ, आप पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्के हल्के कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं शुगर के कुछ कुछ, तो आप इसमें शुगर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए बहुत इजी रहेगा, जल्दी से आप उसको कर सकते हो, बहुत जल्दी मेल्ट होगी वो भी आपकी बॉडी में। आपको यहाँ यहाँ करना है नेल्स के साइड में, नेल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं आपको यहाँ पे करना है, जिससे ये आपके नेल्स को अच्छा सा मॉइस्चराइज़र दे। नाउ एज यू ऑल कैन सी कि कितना मॉइस्चराइजिंग लग रहा है मेरा पूरा हैंड, आप देख सकते हैं वाटर और डिफरेंस भी देख सकते हैं, पहले मेरा हैंड कितना रफ था और अब कितना अच्छा दिख रहा है। लिटरली गाइस आई फील सो स्मूथ और थोड़ा सा कलर टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो मुझे तो बहुत पसंद आया, आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।